फिर क्या हुआ? फिर क्या था? कहने लगी, माथुर साहब ये सब तो गलत है। अच्छा, अबे ठीक से दबाओ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था नेताजी, आपके होते हुए मुझे किस बात का डर? मैंने तो साफ साफ मुंह पर कह दिया, मैडम अपने काम से काम रखो, बस बड़ी आई थी मुझे समझाने। हाँ शाबाश, ये जनता तो ससरी बकलौल है, किसी को भी चुनके ले आती है। अरे समझती नहीं है कि एक नेता में राजनीति, कूटनीति और सिस्टम की समझ होनी चाहिए। क्या समझे? सही बात है नेताजी, हर कोई आपके जैसा थोड़ी है। माथुर, तुमने बहुत साथ दिया है हमारा, आगे भी ऐसी ही वफादारी से बने रहना। बहुत जल्दी सत्ता पलटेगी उसकी, तो कुर्सी तो आखिर हमें ही संभालनी है। ये केस बेस तो साला सब ढकोसला है, तो सारे शहर का संचालन तो हम ही कर रहे हैं अंदर बैठकर। अरे नेताजी, ये भी कोई कहने वाली बात है? मेरी वफादारी तो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो भी बिना किसी शर्त के। लेकिन नेताजी, तो लल्लनवा परसदिया दे दे तो इसे। अरे नेताजी, इसकी क्या जरूरत है? नौटंकी बंद करो यार, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। और तुम फिक्र मत करो, नितनिया की जिंदगी को जहन्नम बना देंगे हम। एमएलए पूनम गर्ग, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? आज तो तुमसे लोगों का मिलने का तांता लगा रहा होगा ना पूनम। तो फिर कुल मिलाकर कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा बाबूजी। अब पूनम, मैंने सुना है कि लोग जब अपने विधायक से मिलने आते हैं तो बहुत सारे तोहफे लेके आते हैं, तुम्हारे तोहफे कहाँ हैं? मामा जी, मिठाई वगैरह और खाने की दूसरी चीजें हमने ऑफिस में बंटवा दी। और रही बात गिफ्ट की, तो हमने वापस लौटा दी। अच्छा, ऑफिस कैसा है बेटा तुम्हारा? बहुत अच्छा है बाबूजी। लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं बाबूजी। अब पब्लिक तुम्हारे आचार व्यवहार से खुश हुए ना? जी बाबूजी। माँ जी, हम कपड़े बदल कर आते हैं, फिर आपकी मदद कर देंगे किचन में। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने और कनु ने मिलकर खाना बना दिया है। तुम जाके हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। पूनम जी कुछ परेशान लग रही है। पूनम जी, क्या बात है? पूनम जी आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। आकाश जी, आज एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। सरकारी राशन की दुकान से लोगों को ठीक तरह से अनाज नहीं मिल रहा, और जो अनाज मिलता भी है वो खराब होता है, उसमें घुन लगी हुई होती है और वो कंकड़ और पत्थरों से भरा पड़ा है। जब इसकी शिकायत करने के लिए हम जिला आपूर्ति अधिकारी मिस्टर माथुर के पास पहुंचे, तो हमें पता चला कि वो खुद इस काले धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। पता है आकाश जी, हमें दुख किस बात का होता है? ये सब कुछ जानने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना ही हमें वो प्रक्रिया आती है जिस पर चलकर हम इन लोगों को सुधार सके, और ना ही हमें राजनीति आती है। इसलिए हमें सरकार की, प्रशासन की कार्य प्रणाली को समझना है। पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और देखिएगा आप बहुत जल्दी ये सब कुछ समझ भी जाएंगे। फिलहाल आप एक बात सोचिए, जिस तरह आपने एक चुनाव प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था, उसी तरह इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ एक नायाब तरकीब जो आपको ठीक लगता हो। आप ही तो कहती है ना कि हमें अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहिए, तो ऐसा कोई तरीका सोचिए जिससे आपकी ये कमजोरी आपकी ताकत बन जाए।
शायद आप ठीक करें आकाश जी, राजनीतिक तरीके से इनसे कैसे निपटना है ये शायद हमें नहीं आता, लेकिन अपने तरीके से इन्हें सबक सिखाना हमें जरूर आता है। हाँ, ये तरीका उग्र जरूर है, लेकिन हमें लगता है ये काम करेगा। क्या पूनम जी, कौन सा तरीका? पूनम जी, पूनम जी, ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है। अब तो शत प्रतिशत आपका काम सफल होना ही है। अब देखिएगा, कल की सुबह सीतापुर के लोगों के लिए एक उम्मीद की नई किरण लेकर आएगी। कल हम जिला आपूर्ति अधिकारी मिस्टर अजय माथुर से मिलने गए थे। उनसे मिलकर हमें पता चला कि वो खुद इस धांधली में शामिल है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हम जनता के लिए उनका खुद का सहकारी भंडार खोलेंगे ताकि उनको भ्रष्टाचार का शिकार ना बनना पड़े और उनको सारा का सारा राशन सरकारी सस्ते रेट में ही मिले, और ये सारा राशन हम बकायदा जिला आपूर्ति केंद्र से जांच करवाएंगे ताकि उसमें कोई भी मिलावट ना हो। प्लान को पूरा करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें एक जगह की खोज करनी होगी जहां हम ये सारा राशन स्टोर कर सकें और वहीं से लोग फुटकर में उसे खरीद भी सके। लेकिन मैडम, इस काम के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए भी एक प्लान है हमारे पास। हम जनता के लिए एक पिगी बैंक खोलेंगे। पिगी बैंक? यानी कि डोनेशन बॉक्स। संजू, ये है पिगी बैंक। अब जनता का सहकारी भंडार खुलेगा उनके खुद के पैसों से। सुना आप लोगों ने, पूनम जी हम लोगों के लिए एक अलग सहकारी भंडार खोल रही हैं। कितना अच्छा होगा, पूनम जी के सहकारी भंडार से हमें अच्छा अनाज मिलेगा और वो भी वक्त पर। क्या वो सच में हमारे लिए सहकारी भंडार खोल सकती है? हमारा मतलब है कि ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तो हम अपना लक्ष्य जरूर पा सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 4000 यूनिट यानी कि 700 से 800 घरों के लिए एक सहकारी भंडार होता है, और हमारे क्षेत्र में एक सहकारी भंडार कम है। लेकिन इस एजेंसी को खोलने के लिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत है, साथ ही साथ भंडार घर की भी व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए हमें पैसे चाहिए, इसलिए हमने ऑफिस के बाहर एक डोनेशन बॉक्स रखा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जितना हो सके चंदा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग के साथ हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। जरूर पूनम जी, हम खुशी खुशी चंदा देंगे। बिल्कुल पूनम जी, आप सिर्फ एक आवाज कीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम सब करेंगे। लेकिन पूनम जी, अगर हमारे एरिया में ही सरकारी भंडार खुलेगा तो केवल हमारे एरिया का ही भला होगा, और जो शहर में काला बाजारी चल रही है उसका क्या होगा? उसको हम कैसे रोक सकेंगे? उसका भी हल है हमारे पास। हम जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि वो हमें खराब राशन क्यों दे रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों की जान के पीछे पड़े हैं, वो भी तो देश का भविष्य ही है ना। हम उसे इतने लेटर्स भेजेंगे, इतने फोन्स करेंगे कि उसकी आत्मा उसके जमीर को झुंझोर कर रख देगी। हम सब मिलकर जिला आपूर्ति अधिकारी को बता देंगे कि अब जनता जाग रही है और अब उसे भ्रष्टाचार का शिकार बनने से इनकार है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।